कोयलिया कूक सुनावे, कोयलिया कूक सुनावे, माँ कोयलिया कूक सुनावे, सगिरी आज मेरा सतावे, पिया मैंने कसुना सुहावने से, अरे यारी कारी बिजरी चमक जिया मोरा कल पावे ने कोयलिया भूजा सुनावे, कोयलिया कूके सुनावे, कोयलिया कूके सुनावे, कोयलिया कूके सुनावे, सगिरी आज फिर सतावे, पिया मिले कछु ना सुहावे, निस अंधियारी कारी बिजली चमक जिया मोरा डर पावे रे कोयलिया कूके सुनावे, कोयलिया कूके सुनावे, कोयलिया कूके सुनावे, कोयलिया कोयलिया मैं बदायूं शरीफ का रहने वाला हूं और बदायूं के बारे में ये बड़ी बात मशहूर है कि वहां बहुत ही आध्यात्मिक नगरी है और वहाँ बड़े बड़े दरवेश और फ़कीर हैं, और यहाँ तक के बदायूं में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए हैं, और वहाँ पर हज़रत सुल्तान अल-आरिफ़ीन साहब, सुल्तान बदरुद्दीन शाह विलायत साहब रहमतुल्लाह अलैह, मीरान जी साहब रहमतुल्लाह अलैह ख़ुद बहुत बड़े बुज़ुर्ग होने के साथ साथ, वली कामिल होने के साथ साथ बहुत बड़े मौसीकार भी थे, तो म्यूज़िक का बड़ा यानी कव्वाली के मार्फत, रागों के ज़रिए से रागों के मार्फत बड़ा ताल्लुक़ रहा है, और हमारा ताल्लुक़ बुजुर्गान दीन से काफ़ी थे, उनसे आध्यात्म जो फ़कीर दरवेश थे उनसे बड़ा रहा है, हमारे बुज़ुर्गों का भी रहा। मैं चूँकि ये मानता हूँ कि आर्टिस्ट कहीं भी पैदा हो सकता है, लेकिन मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मैं हिंदुस्तान के बड़े कद्दावर बड़े ज़बरदस्त उस्तादों के यहाँ पैदा हुआ, तो मेरा ख़ुद का घराना है सहसवान, अल्तमिश के ज़माने में बदायूं गवर्नर ही था और सहसवान एक ज़िला हुआ करता था, और बाद में सहसवान जो है वो नवाब रामपुर के दो लड़के, एक तो बिलसी, नवाब बिलसी, और उनके और एक साहबजादे थे कोई, वो सहसवान उनकी जागीर था, तो इसलिए हमारा घराना जो है रामपुर सहसवान बोला जाता है। फिर हमारे बुज़ुर्ग भी थे वो रामपुर में, इस तरह पहले हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो वाजिद अली शाह के यहाँ, हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर उस्ताद कुतुबुद्दीन खां साहब, आपको हिस्ट्री में भी मिलेगा कि वो उनके एक मिनिस्टर थे कुतुबुद्दौला बहादुर के नाम से, वो हमारे ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर थे। जब वाजिद अली शाह की हुकूमत ख़त्म हो गई तो नवाब कल्बे अली खां साहब के यहाँ उस्ताद कुतुबुद्दीन खां साहब
आए और उनके बच्चों में उनके चूँकि कोई लड़की थी और कोई औलाद नहीं थी तो उनके नवासे थे उस्ताद इनायत हुसैन खां साहब, उस्ताद मोहम्मद हुसैन खां साहब, उस्ताद अली हुसैन खां साहब, उनको उन्होंने तालीम दी। कुछ हमारे उनके वालिद ने उस्ताद महबूब खां साहब ने तालीम दी और फिर उन्होंने उस्ताद बहादुर हुसैन खां साहब का शागिर्द करा दिया। बहादुर हुसैन खां साहब की भी कोई औलाद नहीं थी, उन्होंने बेटा बना लिया। तो इनायत हुसैन खां साहब को गाना बताया और मोहम्मद हुसैन खां साहब और अली हुसैन खां साहब को बीन की तालीम दी। लिहाजा हिंदुस्तान में जो ये किताबें लिखी गई हैं वो रामपुर से ही, रामपुर दरबार से ही, और ये भातखंडे म्यूज़िक कॉलेज भी नवाब रामपुर और के का मरहूम मिनिस्टर थे, उन्होंने बहुत और सारी किताबें रामपुर में लिखी गई। तो भातखंडे जी भी मोहम्मद हुसैन खां साहब के शागिर्द थे, अलाउद्दीन खां साहब भी मोहम्मद हुसैन खां साहब के शागिर्द, रविशंकर जी के उस्ताद और अली अकबर खां साहब के वालिद। तो गोया इस हिसाब से हमारे बुज़ुर्गों का, हमारे ख़ानदान का मैं समझता हूँ उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब हमारे बुज़ुर्गों की औलाद थे और हम उनके बच्चे हैं, वो हमारे भी उस्ताद थे। ज़ाहिर जो हमसे बड़े हैं, जो हमसे बुज़ुर्ग हैं, वो हमारे उस्ताद हैं। तो उनके शागिर्दों ने जिस तरह से प्रैक्टिकली हिंदुस्तान के बाहर म्यूज़िक फैलाया और आज हिंदुस्तान का हर आदमी उनकी इस वजह से बाहर जाके परफॉर्मेंसेस कर रहा है, ये एक हमारे ख़ानदान को श्रेय है, उसका बड़ा फ़ख्र है इस बात पर। और दूसरी चीज़ ये कि आज जितनी किताबें और जितने म्यूज़िक स्कूल खुले हुए हैं वो सब रामपुर की वजह से ही खुले, रामपुर में सारी किताबें क्रमिक पुस्तक मालिका लिखी गई। दूसरी ये कि उस्ताद इनायत हुसैन खां साहब की शादी ग्वालियर के जो बहुत मशहूर उस्ताद थे, उस्ताद हद्दू खां साहब, जिसके के सारे ग्वालियर घराने के सारे ही घराने शागिर्द हैं, वो उस्ताद हद्दू खां साहब के, उस्ताद हद्दू खां साहब हमारे ग्रैंड फादर के ससुर थे और उनकी लड़की उस्ताद इनायत हुसैन खां साहब को बहन। तो ये मेरी खुशकिस्मती है। भैया गणपत राव साहब इनायत हुसैन खां साहब के शागिर्द थे, छज्जू खान नज़ीर खां साहब जिन्होंने भिंडी बाजार घराना बनाया, ये सब तो काफ़ी खिदमत करी। वज़े बुआ साहब ऊना में थे, तो ये सब बड़ी खिदमत करी है। और मैं ये कहूँगा कि मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मैं यहाँ पैदा हुआ। और फिर मुझे बचपन से ही मेरे वालिद साहब ने, तो हमारी इन्हें मतलब ये कि हमारे यहाँ की ख़ानदानी गाने बजाने के जो आर्टिस्ट हैं उनकी ये प्रथा रही है कि ये ख्वाहिश रहती है कि हमारा लड़का गाए बजाए। तो जब ज़ुबान शुरू होती है तो जब ही से सारे गाँव पाधानी साहब को न्याया आया आया करके कुछ एक्सप्लेन करना, तो हमारे वालिद साहब सीने पे हमें लिटाल लेते थे। और फिर जब हम कुछ समझने लगे तो उन्होंने हमें अच्छी तरह शुरू कराया। तो 5 साल की उम्र से बहुत कायदे में शुरू हो गए। फिर हमारे वो शुरू के जो 4-5 साल में जो जिस तरीके से सिखाते थे जी, तो थोड़े से उसका नहीं, उनका एक तो ये कि हमें तो उसका कुछ शऊर नहीं था, है ना, लेकिन वो एक ही चीज़ को बहुत दिनों तक रियाज कराते थे। अगर हम किसी शागिर्द को इस तरह से रियाज कर रहे हैं तो उसमें ज़ाहिर है कि आज के दौर में चूँकि ट्यूशन फीस होती है, गुरु दक्षिणा है वगैरह, हम ये मान सकते हैं खजर कि आज में और कल में, इसलिए कि वो चूंकि खानदान की बात थी इसलिए वो तो हंसते उठते बैठते लेटते सोते गाते जी 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 एक माहौल चल रहा है और आपको धीरे धीरे जिसको कहते हैं कि अनकॉन्शियसली आपको एक तालीम दी जा रही है, सबकॉन्शियस में हमारे सब वही म्यूजिक चल रहा है। तो उसमें कुछ उस वक्त की जो छोटी छोटी चीजें होती होंगी, मतलब आई डोंट नो उसको कैसे आप क्या नहीं, मैं यही कहूँगा कि जैसे कि उन्होंने हमें राग भैरव शुरू कराया तो आप बरसों वो चलता रहा। अगर हम किसी शागिर्द को इस तरह करें तो कैसे पहले क्या नोटेशंस आपको देते भाई, सारे गामा पा धा नहीं सा करवाया, सारे गा रे गा मा गामा पा और बहुत सी चीज़ें रियाज कराते रहे, आवाज़ को कैसे बनाना है, किस तरह करना है। तो वो इतना ज़्यादा टाइम लिया जाता था कि अगर किसी शागिर्द को वो कहें तो वो कहें कि साहब इतना टाइम उस्ताद लगा रहे हैं। जैसे मसलन भैरव को आप कह रहे हैं, भैरव का कौन सा ऐसा नोटेशन था जो वो हमेशा आपसे चाहते थे कि साहब इसको दोहराते रहे
तभी ये कुछ सारे गामा पादा नी दानी दा पमा गैरे सा। अब इसी को करें निकलने, यही हो रहा है, आप समझ रहे हैं? इसी का भाई एक साधे सब सधे सब साधे सब जाए। तो बहुत ही बतदरीज बहुत सी चीजें जो हैं वो होती रहीं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाया जा सकता, लेकिन ये कि इतना जब तक कि वो मुकम्मल ना हो जाए, ये सुर नहीं लग रहा है भाई, इसे ठीक से लगाना चाहिए। अब हम सोच रहे हैं हम तो बिल्कुल ठीक गा रहे हैं, यहाँ में खामख हैं, हमारे ऊपर डांट पड़ रही है। खजा वो जो एक चीज होती है मौसीकी, वो क्या चीज है जो मतलब एक आदमी सुनता है, हम उसको, हम जैसे लोग जो सिर्फ सुनते हैं, हम ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि ये कौन सा राग है, ये कौन सा है, बस एक चीज एक दिल में लगती है, वो क्या चीज है मतलब? वो देखिए मैं आपसे अर्ज करूं कि मौसीकी जिसे कहते हैं या म्यूजिक संगीत, वो दो चीजों पर मुनहसर है, आधारित है, सुर और लय। सुर जब जब लगता है तो आदमी रोने लगता है, और लय जब जब आती है तो आदमी उछलने लगता है, फड़कने लगता है। तो मैं ये कहूंगा, क्योंकि उर्दू बाजार में आप वो कर लिए जा रहे हैं, तो मैं उर्दू में उसे कहूं कि दुख और सुख के खूबसूरत इम्तिजाज का नाम म्यूजिक है। अगर आदमी सुर लगाए और रोता रहे और एक आदमी उछलता कूदता ही रहे, दोनों को ये कहने की क्या हो गया, ये शख्स पागल हो गया, लेकिन उसके खूबसूरत इम्तिजाज का नाम जो है वो म्यूजिक है। दुख और सुख की जो खूबसूरत बेल जैसे होती है ना, जैसे दरख्त पे बेल लिपट जाती है। अब लैंग्वेज जो है, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, जो कि आप चाहते थे कि मैं पूछूं, तो मैं आपसे अर्ज करूं कि लैंग्वेज इज जस्ट लाइक ड्रेस। खतम इस पे हम बाद में आएंगे, मुझे सिर्फ एक जो सुर और लय आप कह रहे हैं जी, मुझे एक छोटा सा हमारे नाज़रीन को कुछ बताएं कि सुर क्या होता है और लय क्या होता है, उसको जरा सा। नहीं की अभिव्यक्ति मैं कोमल रे लगा रहा हूं, भैरव के रे। ठेका लगता होता है, तबला बजता होता है, लेकिन उसका जो आलाप है वो लय से हटके होता है। लेकिन जब ध्रुपद गाया जाता है तो ध्रुपद का आलाप द न रे रे ने ने, मगर उसके साथ कुछ बजता नहीं होता है। पखावज के टाइम द न न न न न न न रे, आप समझ रहे? रे 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 र
आई लय आ गई देखा नौ। अंग्रेज और सारे लोग सर हिला रहे हैं, बोले ध्रुपद बहुत पसंद किया जा रहा है। लेकिन अब ख्याल में ध्यान, ख्याल मीन्स ध्यान, अरब ध्यान पर्शियन में हो गया, पर्शियन में ख्याल हुआ और संस्कृत में ध्यान। करना ये चाह रहा हूं कि जब जब सुर आर्टिस्ट की कैफियत के हिसाब से, सुर आप पर क्या असर कर रहा है वो टेलीपैथी की बात है, जो मेरे ऊपर असर कर रहा है, मैं आपको, अगर आपका ध्यान, जब आप म्यूजिक सुनने के लिए बैठे हैं तो म्यूजिक सुनने के लिए ये जरूरी है कि आप ये जाने कि आप म्यूजिक सुनने के लिए बैठे हैं। आपको ऐसा नहीं है कि आप सिगरेट पी रहे हैं और हा हा इधर उधर बातचीत कर रहे हैं, फुलाना कर रहे हैं, क्लिपिंग लगाने के लिए बैठे हैं। तो मैं आपको ये कहूँ कि मैं जिस तरह से म्यूजिक समझता हूँ कि अगर एक, अगर मैं बहुत पैसे वाला होता तो मैं गाना नहीं सुनाता, जो मैं गाना चाहता हूँ वो लोगों को सुनना चाहिए। आप समझ रहे हैं, आपने अगर पूजा करने के लिए स्नान किया है और ध्यान के लिए आए हैं और आपने नमाज के लिए वजू किया है तो आपको गाना बजाना सुनने के लिए भी तैयार होना चाहिए, सब उधर से शोर हटा के। तब सब जब हम गाने बजाने लगे, इस पे मुझे एक बात याद आई, मोहम्मद खान साहब एक थे जो सरोद बजाते थे और वाजिद अली शाह साहब के वालिद, उनका ये काम था, फकीर दुर्वेश टाइप के थे, उनका सरोद जो था वो पट्टियाँ लगी हुई हैं, फटा हुआ टूटा था, तो फुटपाथ पे बैठे हुए हैं और वो बजा रहे हैं, किसी ने छदाम डाल दी किसी ने, और उनका मकसद ये था कि जो उनको उस वक्त के खाने का चाहिए था वो जैसे मिला उन्होंने अपने शहनशाह आ रहे थे हाथी पे बैठे हुए, तो उन्होंने कहा कि वो शहनशाह आपको बुला रहे हैं। बोले क्यों बुला रहे हैं, मुझे उनसे मिलना ही नहीं, अगर उन्हें मुझसे मिलना है तो वो आ जाए। आए, सुना, बोले वाह क्या कहने, आप दरबार में आइए। गए दरबार में, जब आप गए तो ऐसा बजाया उन्होंने कि शहंशाह बोले कि जो मांगे सो पाएं। बोले देखिए आप वादा कीजिए जो मांगे सो पाएं। बोले हाँ वादा किया। तो बोले अब आइंदा मुझे ना बुलाएं आप अगर मर जाएंगे तो दूसरा आदमी बादशाह बन जाएगा, लेकिन अगर मोहम्मद खां मर गया तो दूसरा मोहम्मद खां पैदा नहीं होगा। वो वली आदमी थे, उनको इबादत करने जाना था कहाँ, बादशाहों के दरबार में, क्या बात है। आप समझे ना, तो सुर का जो मिजाज है वो अपनी तरफ ये कहता है कि आप बहुत ज्यादा भागी है नहीं। नहीं खादर, मैं थोड़ा सा डिविएट करना चाहता हूँ यहाँ से। All right. मैं ये चाह रहा था कि म्यूजिक में जी अल्फाज वही मैं हाँ मैं वो मैं अल्फाज जब तो जरूरी है म्यूजिक में, अल्फाज बिल्कुल जरूरी है, जब म्यूजिक में अल्फाज जरूरी भी है, और अगर 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 एक गाने वाला अल्फाज नहीं गाएगा तो
तो सरोज सितार सरंगी में काम चल जाए, हमें अल्लाह ने जुबान दी है, वो तो लय का काम हो रहा है जो साजों में हो रहा है, लेकिन हमने हमें अल्लाह ने अल्फाज दिए हैं, हमें हमें बोलने की ताकत है। यही मैं अर्ज कर रहा था, फिक्र जल शान नाम लिए से हो तजल्ला अल्लाह अल्लाह जल शान अल्लाह 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 जल शान अल्लाह नाम लिए से हो को बैठे हैं, सुबह का राग है, है? तो इसको हज़रत दूसरा ये कि बंदिशों में ज़बान का इस्तेमाल जी ब्रज भाषा का इस्तेमाल बहुत हुआ है। उससे पहले संस्कृत में ध्रुपद होते थे, लेकिन मानसून तोमर ने चेंज करके ब्रज भाषा संस्कृति का कोई ध्रुपद में कुछ आप मैं एक सामवेद का एक श्लोक है, उसको मैं इसमें भैरव में ही थोड़ा सा करने की कोशिश करता हूँ। ओंकार पंजर उपनिषद उद्यान, ऐसा कर उपनिषद उद्यान दुद्यान उपनिषद उद्यान ओंकार पंजर सुखी उपनिषद उद्यान ओंकार पंजर सुखीन उपनिषद उद्यान माँ को ऊ के साथ मिला देंगे ओंकार पंजर सुखी उपनिषद उद्यान उद्यान दुद्यान केली कल आगम विपिन मयूरी मारिया मंत्र विभाव गौरी आपस में जुड़ती है तो देखिए आज अल्फाज ज्यादा समझे जा रहे हैं, वो पहले से भी शायद, और इसीलिए अल्फाज की वजह से म्यूजिक में लोग पॉपुलर हो गए। जहां तक सुरों का ताल्लुक है, उसका पावर समझने के लिए आदमी को खुद तन्मयता से गाना बजाना सुनना पड़ेगा। अल्फाज एक ईजी बात होगी, मिसाल के तौर पर हम अगर ऐसी जगह चले जाएँ रशा में चले जाएँ और हमें प्यास लगी हो तो हमें तो सुना बने। अब लोगों को ये इतराज़ हो जाता है कभी कभी कि गाने से अल्फाज मारे जा रहे हैं। अब देखें अल्फाज उजागर हो रहे हैं, इस तरह बूटे पानी में डाल के कैसा यूँ खिल जाता है। नुक्ता छी है गम दिल उसको सुनो न बने क्या बने बात क्या बने
क्या बने बात, क्या बने बात, क्या बने बात, जहाँ बात बनाए न बने न कची है, गम दिल सुको सुनाए न बने। अर्ज करने का मकसद ये है कि जो आदमी थीसिस लिख सकता है वो छोटा सा खत नहीं लिख सकता, अगर नहीं लिख सकता है तो बीमार है वो बेचारा, ये मुझे वो पढ़ा लिखा नहीं है। लेकिन जो सिर्फ खत लिख सकता है वो थीसिस नहीं लिख सकता। सीधा सीधा सा क्वेश्चन पूछूं आपसे कि उर्दू जबान की, उर्दू जबान में जो एक चाशनी है जी, उर्दू जबान में एक म्यूजिक है सर, ये बताएं हमको ये कैसी म्यूजिक है? भाई ये हिंदुस्तान की बड़ी मायनाज जुबान है और हिंदुस्तान की ही जुबान है। ईरान में नहीं बोली जाती, अरब में नहीं बोली जाती, मिडिल ईस्ट में नहीं बोली जाती, इंडोनेशिया में नहीं बोली जाती, ये पाकिस्तान और बांग्लादेश तो आप हमारे सामने का वाकया है। अभी अभी भी अभी अभी तो हुआ है सब। देखिए एक बात बिल्कुल सही है कि हिंदुस्तान का जो वो है नक्शा वो ये है कि यहाँ मुसलमान सिख और ईसाई, हिंदू से मुसलमान सिख और ईसाई, हमारे माँ बाप एक हैं, हमारा कल्चर एक है, हमारी संस्कृति एक है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ तीन कौमें रहती हैं, आर्यंस, अरब और मंगोलियंस, इज अ फैक्ट। यहाँ की जो मेन आबादी है वो तो भील, संताल, ये सब लोग हैं। तो यहाँ यानी यहाँ जो एक कौम रहती है हिंदुस्तानी, उनके माँ बाप एक हैं, उनकी संस्कृति एक है, सब कुछ एक है। वो तो उर्दू जो है हिंदुस्तान के अलावा कहीं नहीं बोली जाती है। और उर्दू और इस मतलब अच्छी से रिदमिक जबान के साथ अगर मौसीकी मिल जाए तो मौसीकी के, मैंने बताया ना कि आप मौसीकी के बगैर हर लैंग्वेज बेकार, उसका अर्थ बदल जाता है, मतलब ही बदल जाता है। मैंने कहा खा लो, बदल गया, खा लो खा लो, आइए आइए, चेंज हो गया, पधारिए, बदल गया, पधारिए, वेलकम है। अरे क्या आप म्यूजिक के बगैर तो बस म्यूजिक। मतलब मैं एक बात हाथ जोड़ के आपसे, अब आपके जो साज मिले हुए हैं आप तो भैरव आपने सुनाया हमें, इससे आसपास जिसमें आपको अपने साज को बहुत ज़्यादा छेड़ना ना पड़े, कुछ कुछ मेरे नाज़िम को कुछ थोड़ा सा कुछ और किसी दूसरे राग में कोई नहीं, कुछ एक छोटा सा कुछ सुना दें, बस थोड़ा सा बस। कोयलिया कूके सुनावे, कोयलिया कूके सुनावे, माँ कोयलिया कूके सुनावे, सगिरी आज मेरा सतावे, पिया में कछुना सुहावे ने से, अरे यारी कारी बिजरी चमक जिया मोरा कल पावे रे, कोयलिया बुगल सुनावे, कोयलिया कूके सुनावे, कोयलिया कूके सुनावे, कोयलिया कूके सुनावे, सगिरी आज फिर सतावे, पिया में कछु ना सुहावे, निस अंधियारी कारी बिजली चमक जिया मोरा डर पावे रे, कोयलिया कूके सुनावे, कोयलिया कूके
सुना बे कोयलिया कूगल।